नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुरेंद्र सिंह विधायक बलिया के बारे में। सुरेंद्र सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को बलिया जिले के चांदपुर बैरिया दौबा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण सिंह है। उनकी शादी 17 जुलाई 1986 को जयमाला सिंह के साथ हुई। इन दोनों के एक पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। वह छत्री परिवार से आते हैं। उनकी छवि हिंदू नेता के तौर पर रही। सुरेंद्र सिंह की शुरुआती पढ़ाई गांव से शुरू हुई। उन्होंने 1983 में ग्रेजुएट की। 1984 में उन्होंने बीएड किया। 1986-87 में वह एमए किया। इसी के बाद उनकी नौकरी लग गई, मास्टर हो गए। सहायक अध्यापक के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई। वह आरएसएस से भी जुड़े रहे। संघ की क्लास में राष्ट्रवाद की शिक्षा बीएड के साथ ही करते रहे। उन्हें संघ में प्रचारक का कार्य किया। वह संघ के तहसील कार्यवाहक रहे, फिर जिला कार्यवाहक का पद मिला। माने टीचरी और प्रचार की साथ में चलती रही। फिर उन्होंने 2003 में अलग अपने को कर लिया। तत्कालीन विधायक भरत सिंह से उनसे कुछ अनबन हुई है। उन्होंने अपना इसके बाद एक संगठन बना लिया, नाम रखा दौबा विकास मंच। वर्ष 2003 में अपना निर्दल प्रत्याशी खड़ा कर दिया। 10,000 प्रत्याशी को वोट मिले। भरत सिंह विधायक चुनाव हार गए। वह वर्ष 2011 से 2012 में कांग्रेस में रहे, मगर सुरेंद्र सिंह फिर बाद में कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी पार्टी में आ गए। उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेताओं से अपनी नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जब भरत सिंह लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, उन्होंने उनका समर्थन किया, जहां वो सांसद बनने में कामयाब हुए। सुरेंद्र सिंह को बाद में इसका इनाम भी मिला। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको भाजपा से टिकट मिला। भरत सिंह उनके टिकट के लिए पैरवी किए थे। सुरेंद्र सिंह विधायक बनने में कामयाब हुए। सुरेंद्र सिंह 5 साल के लिए छुट्टी ले लिए थे मास्टर की नौकरी से। वो विधायक बनने के बाद भी उनके तेवर बागी वाली रही। आपको बताते चले, उनके पास कोई काम लेकर पहुंचा करता था तो वे उसके लिए किसी भी अंजाम तक पहुंचने का कार्य करते थे। जहां भी वह जाते थे वहां भिड़ जाते थे। उन्हें कई बार पुलिस वाले से बाजबाजी करते हुए भी देखा गया था। आपको बताते चले, वह हमेशा अपने विवादी बयान के कारण चर्चा में रहते थे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद।